Hi guys, today we are going to start class 10th mathematics chapter 1st real number exercise 1.1. guys, before start the exercise we will discuss Euclid division lemma. So guys, what is Euclid division lemma? Given any two positive integer a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r and the value of r is greater than equal 0 and less than b. So Euclid division lemma क्या है? a और b कोई ऐसे positive integer हैं जो q और r unique इंटीजर को सेटिस्फाई करते हैं. ए बराबर बी क्यू प्लस आर. हेयर ए इज डिवाइडेड बी. क्या है गाइस? डिवाइजर. क्यों? क्या है गाइस यहाँ पर? कोशन गाइस आर यहाँ पर रिमाइंडर है. तो गाइस इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट हमारा बना डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीपल कोसाइन प्लस रिमाइंडर. ओके गाइस, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गेट हो गया. तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गाइस के क्वेश्चन में ये आस्क कर लिया जाएगा व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके बाद उसी में जोड़ दिया जाएगा फाइंड आवर एस सी एफ. टू नंबर गिवन होंगे हमें वहाँ पर. तो इसलिए ये स्टेटमेंट याद करना ज़रूरी है क्योंकि आ जाता है एग्ज़ाम में. तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फाइंड एस सी एफ by Euclid division algorithm. गाइस ये Euclid division algorithm क्या है? HCF तो हम जानते हैं highest common factor. हमने class 7th 8th में various methods से find out किया है tree method, long division method, factorization method. But here we will find out by Euclid division algorithm. तो गाइस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही एप्लीकेशन है. ठीक है, इसी का यूज करके हम ये जो हमने डिवाइडेंड डिवाइजर वाला पोर्शन गेट किया अभी इसी का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेयर फर्स्ट वी हैव टू नंबर हेयर 135 एंड 225. तो गाइस सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि पहला नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर हो तभी हम इसमें एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस यूक्लिड डिवीजन लेमा से. तो नाउ लेट्स सी
यहाँ पर हमने ग्रेटर नंबर रख दिया और यहाँ पर हमने स्मॉलर, वन टाइम गया टू टाइम ज़्यादा जाए वैल्यू ज़्यादा गेट हो जाएगी 0 9। तो गाइस ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। ये गाइस हमारा क्या है, डिवाइजर है। और ये गाइस हमारा क्या है, कोशेंट है। ये नहीं गाइस सॉरी, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका कोशेंट हो गया। तो बाय सो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको या तो स्टेप वाइज कर लें या विदाउट स्टेप के भी कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या राइट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेंड डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमने हमारा डिवाइडेंड है 225, डिवाइजर है 135, क्वेश्चन हमारा 1 था और रिमाइंडर हमारा। ये डिवीजन हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 90 है। तो अगेन हम इसको, अब हमने ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा अगेन 1 टाइम। सो वी गेट है 45। तो फिर स्टेप सेकंड में हमने राइट कर दिया इसे, तो ये आपको हो गया डिवाइडेंड, डिवाइजर होगा इस 90 हो गया, डिवाइडेंड डिवाइजर क्वेश्चन और रिमाइंडर 45 थे गाइस। फिर हमारा 0 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर, अगेन हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट। ये हमने लिया, अब हमारा ये तो डिवाइडेंड हो जाएगा 90 और ये हमारा 45 डिवाइजर हो जाएगा, 2 टाइम हमारा 90 आ गया, ये हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर 0 आ गया। तो गाइस स्टेप थर्ड में हम देखते हैं या वी कैन राइट 90 डिवाइडेंड 45 डिवाइजर 2 क्वेश्चन और 0 रिमाइंडर। सो आर इक्वल्स टू 0 गेट हो गया। हैंस गाइस वी हैव SCF ऑफ 225 इक्वल्स टू 45 से तो 0 हुआ हम गेट, तो 45 इसका SCF गेट हो गया। नाउ गाइस हम थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि मैं आपको लॉन्ग डिवीजन वे से कराऊंगा और इसको फिर यूक्लिड डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा 8 6 7 एंड 2 5 5। नाउ गाइस सी है यार, वी पुट एज अ डिवाइडेंड एंड 2 5 5 हमारा हो गया 3 टाइम। 3 टाइम हम मल्टीपल कर देंगे ठीक है। तो हमें मिला यहाँ पर 3 टाइम में 3 5 15 16 7 7 6 5। सो वी क्रिएट है 2 0 1। सो गाइस अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे ठीक है। गाइस अब कितने टाइम गया गाइस हमारा, 2 टाइम
402. So we get guys here 15. इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये 2 टाइम्स 02 हो गया, 0 आ गया। तो गाइस अब इसको या तो स्टेप वाइज में राइट कर दो या तो इसको स्टेप वाइज में राइट कर दो। गाइस पहले हमने इसकी लिया 3 टाइम, ये हमें कॉस रिमाइंडर गेट हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर रख दिया और इससे 2 टाइम गेट मल्टीप्लाई करने पे हमें ये गेट हो गया, फिर से सबट्रैक्ट किया और फिर इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमारा वही है जो हमने 6th 7th क्लास में किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन हमें लिखना इसको किस में पड़ेगा, यूक्लिड में, यूक्लिड एल्गोरिथम में राइट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 8 7 इक्वल्स टू 2 2 2 5 5 मल्टीपल 3 प्लस 102। सेकंड स्टेप में क्या है गाइस हमारा 255 को हमने 102 को 2 से मल्टीपल की तो हमें 51 गेट हुआ। थर्ड स्टेप में गाइस हमने लिया 102 51 मल्टीपल 2 तो गाइस हमें 0 गेट हो गया। ठीक है गाइस, तो वी कैन राइट है हैंस SCF of 867 कोमा 255 equals to 51. Now see second part. Question first. Here we have 196 and 38 22 220. Isn't it? So see here, divide and greater value हमने यहाँ पर रख दी और smallest value से इसको divide कर दिया। तो ये one time, so we get here 6 8 1। तो guys 2 उतार लिया हमने यहाँ पर। अब गाइस अगर हम इसको 10 टाइम ले लें तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 से करके देख लेते हैं गाइस। जब 9 से हम करेंगे गाइस तो हमें 4 6 7 1 मिल जाएगा, 1 7 6 4 आ गया गाइस। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 8 9 गाइस 0 उतार लिया। ठीक है गाइस, ये यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब गाइज ये हम फिर इसको देखते हैं गाइज, 6 से कर लें पहले, गाइज 6 से तो ज़्यादा हो रहा, 5 से कर लो गाइज। सो 980, सो 980 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो गाइज अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा 5 से हमें 0 गेट हुआ है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमारा डिवाइडेंड था, वी हैव ये डिवाइडेंड था, डिवाइजर था हमारा 196 और क्वेश्चन हमें गेट 195 और रिमाइंडर हमें 0 गेट हो गया गाइस। सो आर इक्वल्स टू 0 एंड SCF 2220 196 equals to 196। होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है SCF फाइंड आउट करने में तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, देन मैं आपकी जो भी आपको डाउट है वो डाउट दूर हो जाए कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइज़।